दोस्तों, बहुत दुख होता है हर की पैड़ी को ऐसा देखकर। आप कितनी दूर से आए हो, आप कितनी बार डुबकी लगा लो, लेकिन अगर आप गंगा घाटों को गंदा करते हैं, गंगा जल को गंदा करते हैं, तो माँ गंगे किसी को भी नहीं माफ करेंगी। जय गंगे माता। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। आज हर की पैड़ी आकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है और उसके पीछे जो कारण है वो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा और उसके साथ साथ यहाँ के जो ताज़ा दृश्य हैं वो दिखाऊँगा, आप समझ सकेंगे और आपको भी ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दो वर्ष से ज़्यादा से आप सभी को लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आज से पहले इतना गंदा हर की पैड़ी को नहीं देखा है और आज सच में यहाँ आकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है और उसके पीछे ये रीज़न है। आप ये देख सकते हैं, हर की पैड़ी में हर एक जो घाट है इस समय पूरी तरह से पन्नियों से, रैपर से, पुराने कपड़ों से एक तरह से भर चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। हर एक व्यक्ति जो हर की पैड़ी पहुंच रहा है और जो यहाँ पर इस तरह के ये पन्नियाँ, रैपर्स या पुराने कपड़े छोड़ रहा है, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ। हमेशा जबकि रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना करें। और आप आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर की पैड़ी के काफ़ी घाट ऐसे दिखाऊंगा जो पूरी तरह से कह सकते हैं पन्नियों और जो पुराने कपड़े हैं, रैपर्स हैं, उनसे भर चुके हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको भी बहुत ही ज़्यादा दुख होने वाला है। वीडियो को जल्दी जल्दी से शेयर कर दें ताकि जो लोगों ने ये किया है वो बिल्कुल नेक्स्ट टाइम इसको याद रखें और ऐसा ना करें। तो चलते हैं। हर तरफ आपको पन्नियाँ ही पन्नियाँ नज़र आएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुराने कपड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे और सब ये पैरों में लगते लगते गंगा जल में पहुँच जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह पूरे हर एक कह सकते हैं यहाँ पर जो घाट हैं सभी गंदे पड़े हैं। सच में आज जितना दुख हुआ है, आज से पहले कभी इतनी गंदगी मैंने यहाँ पर नहीं देखी है। आप देखते जाएं, पूरा घाट इन पन्नियों से भरा हुआ है। दोस्तों, आप कितनी भी दूर से आ रहे हों, भले आप कांवड़ लेकर आ रहे हों, अगर आप यहाँ पर गंदगी करते हैं तो सच में कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन अगर आप घाट को गंदा कर रहे हैं, गंगा जल को गंदा कर रहे हैं, तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। माँ गंगे हम सभी की जीवन दायिनी है, लेकिन अगर आप इस तरह घाट को और गंगा जल को गंदा करेंगे तो माँ गंगे किसी को भी माफ़ नहीं करेंगी। आप देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन यहाँ की जो आज हालत है घाट की, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। आप देखते जाइए और, लेकिन गंदगी ख़त्म नहीं होगी। ये पन्नियाँ इतनी नुकसानदायक हैं और उसके बाद भी लोग पन्नियाँ खरीदते हैं बैठने के लिए। अगर आप बैठने के लिए लेते हैं तो उसको या तो डस्टबिन में डालें या तो अपने साथ ले जाएं। दोस्तों, आप सभी से मेरी अपील है कि वीडियो को शेयर करें जल्दी जल्दी से। ताकि ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक जाए जिन्होंने ऐसा किया है और आइंदा से नेक्स्ट टाइम जब भी वो आए तो इस बात का वो ध्यान रखे। दोस्तों, मैं हमेशा वीडियो के माध्यम से लगातार ये मैसेज देता रहता हूँ कि सफाई जो है गंगा घाटों पर
या आसपास किसी भी तीर्थ स्थल में है बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद भी देख सकते हैं लोग कितनी गंदगी करके जा रहे हैं। ये जो दृश्य हैं ये मालवीय घाट के हैं, यहाँ भी आपको हर तरफ से आप देख रहे होंगे कितना पन्नी रैपर से ये घाट भरा हुआ है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना तो बनता ही है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी यहाँ पर आए तो इन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों आज वाकई में मन बिल्कुल बेकार सा हो गया है, ऐसा जो दृश्य आज हमने देखे हैं। हमेशा आपको अच्छे दृश्य मैं दिखाता रहता हूं, लेकिन आज जो दृश्य देखे हैं वाकई में सबसे बुरा लगता है, और इससे बेकार कोई भी दृश्य नहीं हो सकते हैं। जी हर हर महादेव। कहाँ से आए भाई साहब आप? अनूपशहर जिला बुलंदशहर। बुलंदशहर से आए? कितने लोगों की टीम है आपकी? अच्छा, आप लोग क्या करना है, कांवड़ सजा लेना, जो भी पन्नियाँ हैं जो भी बचता है ना, डस्टबिन आपके बगल में है वहीं पे डालना। आज यहाँ पर बहुत गंदगी हुई है। ठीक है जी, ठीक है, अभी हाँ आपने बता दिया हमको, ठीक है ना। सजाने के बाद ये बगल में डस्टबिन है, यहाँ पर सारा डाल देना, ठीक है। बापू नाथ की जय।